हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। सो मैं हूं आपका अपना साहिल पौर और मैं आ चुका हूं एक और नए व्लॉग के साथ। ओके और ये व्लॉग भी बहुत बढ़िया होने वाला है क्योंकि आज हम जाने वाले हैं डिपार्टमेंट NSHS जो कि है नेस्ट स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेस। सो आज मेरे साथ हैं सालिम भाई और आप लोगों के लिए हमने माइक भी लिए थे। माइक दिखाओ। ये उधर स्टूडेंट्स से हम पूछेंगे कि उनकी लाइफ कैसी जा रही है। तो अभी बहुत गर्मी हो गई है इधर इस्लामाबाद में, देखते हैं कोई शटल मिल जाए हमें। और अभी इधर इस्लामाबाद में बहुत गर्मी हो चुकी है, देखते हैं ये कोई इस तरह की शटल मिल जाए, यहाँ से आते हुए तो चढ़ जाएंगे। और बस ये सारा आपके लिए कर रहे हैं। सो आज हम आपको पूरा NSHS का टूर देंगे, उनसे बच्चों से मिलेंगे और एक ही बैच आई हुई है इस साल ही, वो उसकी ओपनिंग हुई है। तो सालिम भी आज मेरे साथ हैं। सालिम विल टुडे बिहाइंड द कैमरा, मोबाइल को पकड़ेंगे और मैं बच्चों से पूछूंगा इंशाल्लाह। ये वाला काम सही कर लेना, ठीक सही है। सो गाइज, ये NSHS की बिल्डिंग भी अभी नहीं बनी है तो वो चल के अभी देखते हैं। और मेरा खुद फर्स्ट टाइम है, मैं भी नहीं गया कभी। अच्छा NSHS और ना ही ये सालिम गया। सो चल के वहाँ मिलते हैं अब NSHS। So guys, हम आ चुके हैं NSHS और literally guys, हमें पता भी नहीं था कि NSHS है कहाँ, किसी से पूछ के हम इधर पहुँचे हैं। और ये है गेट वन के करीब और ये इधर NSTP है और ये गर्ल्स हॉस्टल है, बाकी वो नस्ट की मेन बिल्डिंग नज़र आ रही है। और ये आता है यहाँ पे NSHS, नस्ट स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेस। तो चलते हैं अंदर। भाई साहब, थोड़ा फील हो रहा है कि बिल्कुल नया डिपार्टमेंट बना है, बिल्कुल इस तरह चमक रहा है। अच्छा हाँ सालिम भाई, अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे तो अभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ही होंगे, पहली बैच आई है, वाला करें मिल जाए, उनकी क्लासेस ना हो, उनसे पूछें किस तरह की लाइफ चल रही है आप लोगों की। तो चलते हैं अंदर। गाइज आ चुके हैं NSHS और क्या तो डिपार्टमेंट बना है, वो जो इंग्लिश में कहते हैं ना लुकिंग गुड, लेकिन हम बोलते हैं क्या हरामी बना हुआ है। तो अभी पानी पीने जा रहे हैं सालिम भाई, में बहुत प्यास लगी है। गाइज ये देखें, अब लग रहा है कि मेडिकल डिपार्टमेंट है। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। सो गाइज हम आ चुके हैं यहाँ पे NSHS और यहाँ पे एक बुरी खबर ये है कि यहाँ पे पहले भी कोई नाइस के लड़के आए थे व्लॉग शूट करने और यहाँ पे उनको डीडी ने मना कर दिया था। और जब मैंने बच्चों से किसी से बात की कि मैं आया हूँ खुद व्लॉग शूट करने, तो कहते हैं हमें डीडी की तरफ से मना किया हुआ है, वी कांट डू इट। सो मेरी उनसे थोड़ी बहुत बात हुई है कि यहाँ पे कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, तो एक है MBBS का और दूसरा है न्यूट्रिशन का। सो MBBS में थे स्टूडेंट थे 100 स्टूडेंट्स और न्यूट्रिशन में 50 स्टूडेंट्स। और फी स्ट्रक्चर का भी हमने पूछा, फी स्ट्रक्चर का बोल रहे थे कि फॉर MBBS 20 लाख एनुअली पर ईयर, और जो है न्यूट्रिशन का कितना बताया, 1 लाख पर सेमेस्टर। तो ये चीज़ें, बाकी अभी पूरा NSHS खाली लग रहा है क्योंकि एक ही बैच है, उनकी भी क्लासेस चल रही है। सो थोड़ा सालिम आए दिखाते हैं, बाकी हमें भी नीचे वहाँ पे डीडी मिला था, कहते हैं कि आप कहाँ से, लगता है दिखने से ही हम इंजीनियरिंग स्टूडेंट लगते हैं। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। तो पूछते हैं, आप लोग तो यहाँ से नहीं है, तो हमने बताया कि हम नाइस से हैं और पूछते हैं कि आप लोग यहाँ पे क्यों आए। तो मैंने सीधी बात की, व्लॉग शूट करना है, तो तब तो हमें कुछ नहीं कहा और चले गए। लेकिन किसी स्टूडेंट से हमने जब बात की तो वो कहते हैं सॉरी वी कांट डू इट, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं, किसी से बात करते हैं। वो वहाँ पे गर्ल्स कुछ बैठी हैं,
उनसे नीचे चल के बात करते हैं। बाकी लड़के लड़के कहाँ गए सालिम? मेडिकल में आ गए हैं ना हम, वो लड़कियाँ, वो चार ऊपर, बाकी स्टाफ के लोग नज़र आ रहे हैं। बाकी है बड़ा खूबसूरत सालिम, थोड़ा इधर आए, दिखाएं इनको। ये जो इस तरह ये सर्किल में इन्होंने बनाया हुआ ना, अच्छा लग रहा है। जब चार बैचेस पूरी आ जाएंगी एमबीबीएस की और चार बैचेस न्यूट्रिशन की आ जाएंगी, तब जब थोड़ा रश हो जाएगा तो मज़ा आएगा। और जब साल में यहाँ पे बारिश होगी तब कितना अच्छा लगेगा। हाय हाय। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। सो गाइज, अभी हमें डीडी ने बुलाया था और डीडी ने कहा कि यू आर नॉट अलाउड हेयर और आप जा सकते हैं अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। सो उससे पहले हमें एक लड़की मिली, उससे हमने बात की। वो न्यूट्रिशन से थी और उनकी क्लास की स्ट्रेंथ है 48 गर्ल्स और 2 बॉयज़, जो कि हमारे क्लास के अपोजिट है। हमारी क्लास में 2 गर्ल्स हैं और 48 बॉयज़। बाकी ये है NSHS, अंदर से बहुत प्यारा बना हुआ है, लेकिन अभी थोड़ी ना खाली खाली बोरिंग वाली फील आ रही है। हमारे डिपार्टमेंट छोटा है, अब पुराना बना हुआ है, लेकिन फील आती है, रश होती है, घूम रहे होते हैं, ये थोड़ा खाली खाली लग रहा है। सो गाइस, अभी शटल के इंतज़ार में और ये शटल जा रही है। क्या ही शटल है ये, इस तरह की शटल हो ना। सो गाइस, एक चीज़ जो हम दोनों ने अभी एक्सपीरियंस की है वो ये कि अगर कोई मेडिकल में आ रहा है नेक्स्ट ईयर फ्रेशमैन और बॉयज़ जो के स्पेशली, तो वो जो दूर से आ रहे हैं उनको बॉयज़ हॉस्टल मिलेगी। फिर जो उनको बॉयज़ हॉस्टल का यहाँ डिपार्टमेंट तक का जो सफ़र है बहुत मुश्किल है, स्पेशली इन समर। ये जो अभी मई चल रहा है, बहुत गर्मी है। हमसे पूछे, हम आए अभी, शटल भी कहीं दिख नहीं रही, कहाँ है शटल। सो रिकमेंड करूँगा कि कोई भी बाइक ले आए, पुरानी साइकिल ले आए, पहुँच जाएंगे दो मिनट तो नहीं, 5 मिनट, थोड़ा दूर है। यहाँ पीछे गेट 1 है, ये उसके साथ NSHS, इस तरफ NSTP। बाकी ये था लोग, किसी से बात नहीं हो पाई, लेकिन थोड़ा बहुत NSHS हमने भी घूम लिया और जो ये वीडियो में आपने देखा तो थोड़ा बहुत आपको भी आइडिया हो गया होगा। खाली खाली लग रहा था और 100 स्ट्रेंथ उसकी, 50 उसकी, न्यूट्रिशन की 100 में MBBS और फी स्ट्रक्चर भी, और थोड़ा क्या रोला है वहाँ पर। हेल्थ तो ऑब्वियसली इसमें भी थोड़ी ज़्यादा है। सालिम भाई आओ, सालिम भाई को भी मैंने आज अपील किया है। सालिम भाई अभी कह रहा है कि मुझे चलो उधर खिलाओ पिलाओ। क्या खाना पीना है, हुकुम करो भाई। सारा क्या खाना पीना है? जिंगर खाना है, जिंगर इतनी गर्मी में। हाँ ना, भूख लगी है, बोतल पीते हैं, बोतल पीते हैं, जिंगर खाएंगे। ये इधर नस्ट की हाउसिंग सोसाइटी है, हाँ, इकरा अपार्टमेंट्स। सो इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलेंगे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। काइंडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।